सरोज को ऐसे लगता है कि वो सयूरी को समझा सकेगी और वो इस घर से चली जाएगी. द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट बोथ किन्नरी एंड जय हैव, मैंने इतनी इन्वॉल्वमेंट देख के मैं पागल हो गई थी कि सुबह सुबह 7 बजे मेरी बिंदी पे और मेरे सिंदूर पे, बिकॉज उसमें मेरा लुक ऐसा था कि जिस कलर की बिंदी उस कलर का सिंदूर हुआ करता था, वो लोग सुबह 7 बजे बैठ के उस पर ग्रुप पे चर्चा करते थे कि उत्तरा देवी को क्या लुक देना है. बट इफ़ आई गेट अ चांस आई वुड लव टू डू दैट शो अगेन. आई वुड लव टू डू इट. वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल शो ऑफ आर करियर. एक बार फिर राजन शाही प्रोडक्शन में काम करके खुद को कितना थैंकफुल मान रही है, कितनी ग्रेटफुल है उसके? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एक्टर के लिए एक अच्छा काम मिलना, उसकी पसंद का काम मिलना, ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है भगवान की. राजन शाही जी के साथ मैं पहली बार सीरियल कर रही हूँ. अब तक ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने कोई नया शो लिया है, हमेशा शो लेके काम शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि अरे वाह आपका शो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड, सेल्फी हो जाता है. बट इस शो में ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे इंडस्ट्री में से सारे फ्रेंड्स के फ़ोन आए कि अरे वाह तू राजन शाही का शो करे, यू आर लकी. सो दैट मीन्स ये एक प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. बी इट एक्टर, बी इट डायरेक्टर्स, बी इट राइटर्स, बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ काम करना चाहते हैं, एंड आई फील ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ हिम. आप इतने सारे शोज़ में काम कर चुकी हैं मैम, लेकिन अब तक आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट शो कौन सा रहा है जिसमें काम करके आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया? इसमें मैं एक सेकंड भी नहीं लूँगी जवाब देने में. बहू हमारी रजनीकांत, जो लाइफ ओके पे था, अब जो स्टार भारत बन चुका है. एज एन एक्टर आई फील के डूइंग अ कॉमेडी इज द बेस्ट चैलेंज फॉर एन एक्टर. आप किसी को भी रुला सकते हो आँख में ग्लिसरीन डाल के, लेकिन किसी को हंसाने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लगा कि हाँ, अनलेस तुम नाक पे वो जोकर का लगा दो या कोई फनी मेकअप या हेयर स्टाइल करो या कॉस्ट्यूम्स करो तो. बट डूइंग अ कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस जॉब, यू नो. सो एंड स्पेशली द काइंड ऑफ कॉमेडी जिस जो रजनीकांत में थी, इट वॉज नॉट अ चीप कॉमेडी और वही पत्नी पे जोक्स हो रहे हैं या ओवर स्मार्ट बच्चे हैं या अफेयर्स में से जोक्स हो रहे हैं, किसी लड़की पे जोक्स हो रहे हैं. इट वॉज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड साइंटिफिक साईफाई काइंड ऑफ अ कॉमेडी, एंड वी हैड सच अ ब्यूटिफुल टीम. हमने आई थिंक 1.5 साल शूटिंग किया यही फिल्म सिटी में. यू विल नॉट बिलीव, मैं अभी भी जब उस सेट के पास से जाती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है. मुझे अभी भी वहाँ की मेरी यादें, हम लोगों का साथ में काम करना, नाइट शिफ्ट, साथ में बैठ के खाना खाना, सब याद आ जाता है. तो ये एक शो के लिए बहुत बड़ी बात है कि 16-17 में किया था, 2016-17. सो तो इतने साल हो गए बट अभी भी इतनी सुंदर यादें हैं. हम लोग अभी भी मिलते हैं, मिल नहीं पाते तो फ़ोन पे बात करते. हमारा अभी भी एक गॉसिप गैंग नाम का ग्रुप है जिस पे सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ काम हो या किसी को कोई ज़रूरत हो, ड्राइवर की ज़रूरत हो, मैं खाना खाने कहाँ चली जाऊँ, मुझे ये मेकअप लेना है तो मैं कहाँ जाऊँ, ये सारी बातें हमारी वहाँ पर होती है. मिलने का कहेंगे तो मोस्टली मैं, वाबीस, रिधिमा, राकेश बापट, हम लोग ज़्यादा मिलते हैं. देन रेस्ट ऑफ द, ऑफकोर्स मेहुल से मैं ज़्यादा मिलती हूँ बिकॉज हम लोग आसपास ही रहते हैं. एंड हाल ही में हमारे करण बेटे ने शादी कर ली है तो वो तो हमेशा बिजी रहते हैं, और भगवान करे वो वैसे ही बिजी रहे, बट ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय. सो वी हैड अ लवली सेट ऑफ एक्टर्स प्लस आर प्रोड्यूसर्स. आई टेल यू वन थिंग, जब किसी भी शो में एक औरत प्रोड्यूसर होती है ना, तो वो ना एक टच ही अलग हो जाता है उनका. जैसे मैंने जीजीवा में किन्नरी मेहता के साथ काम किया, शी इज़ माई फैमिली, शी इज़ आई लव हर. द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट बोथ किन्नरी एंड जय हैव, मैंने इतनी इन्वॉल्वमेंट देख के मैं पागल हो गई थी कि सुबह सुबह 7 बजे मेरी बिंदी पे और मेरे सिंदूर पे, बिकॉज उसमें मेरा लुक ऐसा था कि जिस कलर की बिंदी उस कलर का सिंदूर हुआ करता था,
वो लोग सुबह 7 बजे बैठ के उस पर ग्रुप पे चर्चा करते थे कि उत्तरा देवी को क्या लुक देना है. सो इन दैट केस इवन जीजी मा वॉज अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी क्लोज. ऑडियंस का डिमांड, ऑडियंस की डिमांड है कि एक बार फिर बहू हमारी रजनीकांत जो है उसका सेकंड सीजन लाया जाए. अगर उसका सेकंड सीजन आता है तो आपको अप्रोच किया जाता है? आप मैं सब कुछ छोड़ के वहाँ भागूंगी, यू हैव नो आइडिया. और आई वुड से कि रादर 90%. कुछ लोग ऐसे होंगे बेचारे जो किसी शो में अटके हुए होंगे. ऑफकोर्स मैं भी कोई चालू शो छोड़ के भागने वाली हूँ नहीं, बट इफ़ आई गेट अ चांस आई वुड लव टू डू दैट शो अगेन. आई वुड लव टू डू इट. वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल शो ऑफ आर करियर. और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, सब लोग बोल रहे हैं, ये रिधिमा भी बोलती है, ये सब लोग बोलते हैं. ओके, अभी अभी आपने जीजी माँ का भी जिक्र किया है, वहाँ पर तन्वी भी आपके साथ काम करती थी, तन्वी डोगरा जो इस वक्त परिणीति में काम कर रही हैं. आप क्या उनके शो को फॉलो कर रही हैं यहाँ पे? शो फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उस पागल को इंस्टा पे थोड़ा बहुत, मैं ना बहुत कम टीवी देखती हूँ, दो मैं टेलीविजन एक्टर हूँ, मैं बहुत कम इंस्टा पे होती हूँ, मैं बहुत कम फेसबुक पे होती हूँ. मेरे घर में एक छोटा सा मेरा एक बच्चा है जनाब नाम का, मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ. आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली बिकॉज आई फील दैट सोशल मीडिया थोड़ा अपनों को अपनों से दूर लेके जा रहा है. तो मैं, मेरा एक रात का या दिन का मिला के 10 मिनट का टाइम होता है जो मैं सोशल मीडिया को देती हूँ, और उसमें फिर मैं देखती रहती हूँ. पहले इसमें अगर तन्वी मिल जाए तो तन्वी की स्टोरीज़ देखती रहती हूँ. स्वीट गर्ल, वेरी स्वीट गर्ल, बट शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर ऑल्सो. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी इज़ वेरी नेचुरल. वो जब परफॉर्म करती है ना तो लगता नहीं कि लड़की एक्टिंग कर रही है. शी इज़ फ्लॉलेस, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. मुझे अभी भी याद है जीजी माँ के वक्त में मुझे उसे हमेशा कहती थी कि तू मेकअप करके मत आया कर, जितना हो सके कम मेकअप में रहे. बट पता नहीं उसको उसके मेकअप का क्या है, जब देखो तब मेकअप करके लड़की खड़ी रहती है. मुझे हमेशा वो चिंता लगी रहती थी कि तुम, तेरी स्किन ख़राब हो जाएगी. शी इज़ अ ब्यूटिफुल चाइल्ड, शी इज़ अ गुड सिस्टर, शी इज़ अ गुड डॉटर एंड शी इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल ह्यूमन बींग. बहुत बड़बड़ करती है, बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा करती है. एक तो जब भी मैं तन्वी से मिला करती हूँ मुझे एकदम अंदर से इतनी खुशी होती है कि यार इनकी इनकी वाइब मतलब कितनी अच्छी है. मुझे लगता है कि पॉजिटिव, शी इज़ नेवर डल, कभी थकी नहीं होती है. पंजाबन, मैं उसे हमेशा बोलती हूँ कि बेटा चुप रहे थोड़ी देर के लिए. मतलब कभी कभी इतना यहाँ तक हुआ है हमारा कि डाइनिंग टेबल का सीन करे और इनकी चप 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 इसकी और भाभी का की चालू है. तो एक बार मैंने गुस्सा कर दिया तो सब लोग ऐसे हो गए, 5 सेकंड के बाद सुनाई दिया, बस फिर वापस मस्ती शुरू हो गई. बट एक है, उसके काम में मस्ती नहीं आती, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जब ऐसा नहीं है कि लोग है, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत मस्ती करते हैं लेकिन फिर काम पे ध्यान नहीं होता उनका, उसका ऐसा नहीं है. कभी भी बोलो हाँ रेडी सर, एंड शी इज रेडी विथ हर लाइंस, विथ हर एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग. एब्सोल्युटली. इसके अलावा अभी शो के बारे में बात करें तो आप क्या कुछ सीन शूट करके आई हैं? हम देख रहे हैं कि सयूरी का बर्थडे मनाया जा रहा है, लेकिन इस बर्थडे के मौके पर भी सारी खुशियों पर पानी फिर गया. अगर आप कुछ एक बहुत ही प्यारा सा सेलिब्रेशन कान्हा ने प्लान किया हुआ है, उस सेलिब्रेशन के बीच ही आ जाता है कि अंजलि ने आत्महत्या करने की कोशिश की, और कान्हा वहाँ से अंजलि के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और सयूरी अकेली रह जाती है. और तब जाके बस सरोज सयूरी को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसका कान्हा की ज़िंदगी में रहना कान्हा के लिए कितना गलत है और अंजलि उसके लिए कितनी सही है. बहुत एक हार्ट टू हार्ट टॉक है जिसमें थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं, थोड़े गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन एक यही एक मौका है जहाँ पे सरोज को ऐसे लगता है कि वो सयूरी को समझा सकेगी और वो इस घर से चली जाएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.